हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना लड्डू। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम मखाना लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है वो देसी घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हम इसके अंदर 1 कप जो है वो ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं और हम इसको रोस्ट करेंगे। अगर आप किशमिश ले रहे हैं तो किशमिश को अलग से रोस्ट करें, इसके साथ नहीं करें। हमें इसे सिर्फ थोड़ा सा क्रंची होने तक ही रोस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए लगभग हो गया है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब देखिए इसी कढ़ाई के अंदर हम हमारे मखाने लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप जो है वो मखाने लिए हैं। और हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो बिना घी के भी ड्राई फ्रूट्स और मखानों को रोस्ट कर सकते हैं। इसे हमें धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है, तेज़ पे नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। हमें इसे थोड़ा सा येलो करना है और आप इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। जब तक ये क्रंची नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। आप इसे ठंडा कर कर ही ग्राइंड करें। ये देखिए अब हम एक मिक्सर ले रहे हैं और इसमें हम थोड़े थोड़े स्लॉट्स में डालकर इसको जो है एक पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। और थोड़े से मखाने जो है वो हम निकाल के रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको, हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, बस मोटे मोटे बीच में पीसेस नहीं होने चाहिए, हमें इतना पीसना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। और फिर हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को, जिनको हमने रोस्ट किया था, अगर आप किशमिश ले रहे हैं तो आप उसे नहीं पीसे, सिर्फ इन ड्राई फ्रूट्स को जो है हम आधा निकाल कर जो है इसको भी पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ये बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा पाउडर सा हो गया है, इस तरह से ही हमें चाहिए। आप चाहें तो इसको चीनी के साथ भी बना सकते हैं, गुड़ के साथ भी बना सकते हैं या जैगरी पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं और मखाने हैं, अब इसको हम थोड़ा सा कोर्स क्रश कर लेंगे क्योंकि थोड़े से मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसको काट के भी क्रश कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आप इसको इस तरह से क्रश कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं। ये देखिए अब मखाने जो मैंने थोड़े से रखे थे उनको भी मैं छोटा छोटा काट लूँगी क्योंकि जब हम लड्डू खाते हैं तो उसमें मोटे चंक्स आते हैं तो टेस्टी लगते हैं, तो हम इस तरह से कर लेंगे। अगर आप शक्कर या फिर गुड़ से बनाना चाहते हैं लड्डू तो उसकी विधि भी, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, आप ज़रूर उसको देखें। मैं यहाँ पर जैगरी पाउडर ले रही हूँ। अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो आप जैगरी ले रहे हैं तो आप उसको पिघला लें, थोड़ा सा पानी डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं मेल्ट करूँगी और इसके अंदर मैं बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो साथ में ही डाल दूँगी। बस हमें इसके लम्ब्स जो है वो थोड़े से दबा देने हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे के सारे मखानों का पाउडर जो है और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो आप उसको अलग से करें, उसको आप उसके साथ नहीं करें। ये देखिए इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो आपको इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से मिक्स कर दें। तो तो देखिए अब इसके अंदर मैं डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल रही हूँ, लगभग आधा कप जो है डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। आप चाहें तो जो सूखा हुआ खोपरा आता है उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हम इसको बिना घी के भी पूरा बना सकते हैं। ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 कप जो है दूध ले रही हूँ और इसको हम 1-1, 2-2 चम्मच करके ही डालेंगे और मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही बारी में ज़्यादा डाल देंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी एकदम से पतली हो जाएगी तो हमें मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको एक डो की तरह बना लेंगे ताकि हमारे लड्डू जो है वो बंध सकें। देखिए इस तरह से मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालकर जो है इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो घी की जगह पे सिर्फ दूध ही इस्तेमाल कर सकते हैं, घी को छोड़ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया है ये। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, आप किसी भी तरह के बना सकते हैं जैसे आप चाहें। ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से हम इसको प्रेस करके जो है इसके लड्डू बना लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं और अगर आप घी नहीं खाते हैं, अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। और नवरात्रों में जो फास्ट में जो हैं ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप इसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए एक न्यूट्रिशनल जो है फास्ट रख सकते हैं, क्योंकि फास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ फ्राइड खाया जाता है तो आप उसको अवॉइड करें और इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाएँ। ये देखिए इस तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे के सारे लड्डू बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। और मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आ रही हूँ नवरात्रि के लिए,